कभी लगता है व्यक्ति थक जाता है, लेकिन आपको पता है उत्साह कभी नहीं थकता। यदि आपके चित्त में उत्साह है तो आप नहीं थकने वाले हैं। मैं कभी कभी इन बच्चों को देखता हूँ, ये सुबह से उठ के खेलने लगते हैं, फिर 12 बजे खेलते हैं, फिर 2 बजे खेलते हैं, 4 बजे फिर बैडमिंटन, फिर 5 बजे पतंगबाजी, फिर 7 बजे फिर चहकने लगते हैं, रात को 10 बजे तक लुका छिपी करके सोते हैं। ये थकते नहीं हैं, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ये बहुत उत्साही होते हैं, इन्हें अपने कार्य करने का बहुत उत्साह होता है। इसलिए यदि आपको ना थकना हो तो उत्साह मेंटेन करें, जिस कार्य को करते हैं अत्यंत उत्साह से करें। लेकिन वो उत्साह कब उत्पन्न होता है? वो उत्साह तब उत्पन्न होता है जब आपको अपने उस कार्य में कुछ उपयोगिता दिखती हो, उससे कुछ हमें लाभ दिखता हो, उससे कुछ उत्कृष्टता आगे बढ़ता हुआ हम अपने को पाते हो, हमें आनंद आता हो, तब हमारा उत्साह उसमें बढ़ सकता है। यदि हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम उस कार्य में थकान महसूस नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारा उत्साह नहीं बढ़ेगा तो हम थकान महसूस करेंगे। और यदि हम थकान महसूस करेंगे तो हम समझ जाना चाहिए कि हमारे पास उत्साह ही नहीं है। और यदि हमारे पास उत्साह नहीं है तो हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर उसके संबंध में कुछ व्यू नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है, कुछ उपयोगिता नहीं है, कुछ लाभदायक चीज़ हमें महसूस नहीं हो रही वो। इसलिए मेरे भाई, इस तरह की सोच डेवलप करो। थकते हुए हैं जिनके पास उत्साह नहीं होता, थकते हुए कभी नहीं है जिनके पास उत्साह होता है। इसलिए अपना उत्साह बढ़ाओ, जो भी काम करो उत्साह से करो, उमंग से करो। उमंग से करने वालों को, आनंद से काम करने वालों को हार नहीं मिलती, वे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए जिनका उत्साह मर गया वे तो जीते जी मुर्दा हैं, जिनका उत्साह जिंदा है वे जिंदा हैं। अपने उत्साह को बढ़ाइए और प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़िए। थकान कभी नहीं होगी, आप कभी नहीं थकेंगे, विचारना।